और बस तुरंत हो जाएगा एनरोल, तो मैं करवा ही दूंगा आज ही आप लोग को सबको, मैं ही सबको करवा दूंगा एनरोल, क्योंकि जितने लोग कह रहे थे, उसके बाद बुक भी भेज दूंगा फटाक से तुरंत ही, ठीक है जी जी जी। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी तरीके की? ठीक, धन्यवाद। कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल ले रहा हूं, अभी आए हैं बहुत सारे लोगों के कॉल, कॉल जो लोग करना चाहें कॉल कर सकते हैं, नंबर है मेरा 7742959151। तो कृषि आधारित व्यवसाय, कृषि आगत है, कृषि आधारित व्यवसाय है, कृषि निदेशिका है, कृषि नीति व योजनाएं हैं, कृषि विपणन है, कृषि साख और बीमा है, पशुपालन, पशुपालन है। अब देखिए इसमें किस चीज में आपको पैसा मिलेगा, ये भाग तकनीकी नस्लों वित्तीय समर्थन आदर्श परियोजना और डेयरी उत्पादन, पोल्ट्री सुअर पालन, बकरी भेड़ खरगोश आदि के वाणिज्यिक उत्पादन पर किए गए अध्ययनों की जानकारी के साथ पशुपालन प्रबंधन के विभिन्न आयामों की जानकारी देता है। गवर्नमेंट की जो जानकारी आपको चाहिए, कॉल आ रही है, कॉल ले लूं मैं जी। हेलो जी जी सर, नमस्कार जी, बोलिए सर जी जी। हाँ हाँ जी जी अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा अच्छा जी जी पूरी पूरी हेल्प होगी, मैं पूरा आपको उसमें कर दूंगा, जो भी जैसा होगा जी सब हो जाएगा उसमें, ठीक है जी 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 जी। हाँ, इसको हर 5 साल पे उस पर डेट पड़ी रहती है, डेट रहेगी आपकी। कलर कैसा है उसका, येलो है कि पिंक है? हाँ, तो वो आपको काफी, उसको पुराना होगा, वो काफी कई सालों से रजिस्टर नहीं हुआ है वो। हाँ कोई बात नहीं, ये जो भाई साहब आपको चीज मिली है ना, ये पारस मिल गया है, पारस आप समझिए, हीरा है ये, हीरा, ये आपके बच्चों तक के काम आएगा, पुश्तों के काम आएगा, और जितना पुराना होता है एनजीओ उतना ज्यादा वैल्यू होती है इसकी, करोड़ों रुपए में ऐसे ही बिक जाएगा आपका ये, कितना पुराना होगा। और इसको आप अभी फीस जमा कराइए इसकी, इतने सालों की सबकी लेट फी के साथ में काफी पैसा जाएगा आपका इसमें, और इसके हाँ पैसा आपका ज्यादा जाएगा इसमें, बहुत ज्यादा। और आप बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट और वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब कंप्लीट कराइए, फाइल रेडी कराइए, बाकी जो संपर्क करना हो, जो सहायता चाहिए वो आप लेते रहिएगा, हेल्प वो मिलती रहेगी इधर से, ठीक है। हाँ, उसको कंप्लीट कराइए, पैसा उसमें बहुत लगेगा आपका, लेट फीस बहुत जाएगी जी जी जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपका बहुत बहुत जी, ठीक जी। और कोई है जिन्हें कॉल करना हो, कॉल कर लीजिए, मैं इसी समय रहता हूं फ्री, कॉल कर लीजिए। देखिए जिनका रजिस्ट्रेशन बहुत पुराना है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, वो अपना रिन्यूअल करा लें, क्योंकि रिन्यूअल में टाइम लगता है, तो रिन्यूअल कराने में भी पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है। और जो लोग अपनी संस्था का प्रमोशन कराना चाहते हैं, एक चीज और, सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी जो कैंपेन है रन कराना चाहते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, वो सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होना चाहते हैं, अपनी आईडी क्रिएट कराना चाहते हैं, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, गूगल है, पिंटरेस्ट है, जहां कहीं पर भी, तो वो हमारी सोशल मीडिया की सर्विसेज ले सकते हैं, बेहतरीन पेज बना के देते हैं, जबरदस्त परफेक्ट सारी चीजें करके देते हैं। तो उसके लिए आपका चाहेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट, अपनी कंपनी भी है यहाँ पे, आप एड भी अपना चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। और हमारा एक P3 ग्रुप भी है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, और एक BR बिजनेस रेफरल ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं, जिसमें समाज के अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिजनेस रेफरल में बिजनेस वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं, ग्रुप बिजनेस के लोग जुड़े हैं, पुलिस वाले लोग जुड़े हुए हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उन ग्रुप्स में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उनमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहां से आपको उनके कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नेम, नंबर, मोबाइल, और प्लस रेफरल मिल जाएगा, रेफरेंस, क्योंकि रेफरल इंपॉर्टेंट होता है, रेफरल
कॉन्टेक्ट टर्न कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्टेक्ट ही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में बदलते हैं, लेकिन पहले कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, संपर्क होना जरूरी है, संपर्क नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है, लोग आपको जानते हैं, गेट नोन और गेट बिजी, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखें और ज्यादा से ज्यादा आपको लोग जानें, क्योंकि अगर लोग जानेंगे नहीं कि आपकी संस्था है, आप क्या काम करते हैं, तो कैसे लोग आएंगे आपको ढूंढते हुए। लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या है, कैंसर की दवा है अगर आपके पास अच्छी, मैं अक्सर ये कहानी सुनाता हूँ, कैंसर की दवा है आपके पास अच्छी और लोगों को मालूम नहीं है कि आपके पास कैंसर की दवा है, तो पेशेंट कैसे आएगा, बीमार मरीज कैसे आएगा, और आपके पास कैंसर की अचूक दवा है तो आपको खुद हेल्प करना चाहिए, जो कैंसर के मरीज हैं उनको दवा देनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, तो करना चाहिए। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल के लिए हूं, फिर बाद में बोलते हैं सर कॉल कर लें और बाद में बात नहीं हो पाती है, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप में जुड़ जाएं, जितने और लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़ें, जहां कहीं पर भी जो भी जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे हेल्प लें। ये मैंने कर दिया था ना मोती वाला, इनका इनको मैं साथ में लेके आऊंगा, फिर उसको दिखाते हैं फिर, है ना। तो स्मॉल नहीं रहना है, स्मॉल क्रिमिनल लोग रहते हैं, आपको बिग बनना है, गो होम और गो बिगर, गो बिग। स्मॉल बिजनेस नेवर नेवर एवर सर्वाइव, स्मॉल रहेंगे कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, खुद भी बड़े बने दूसरों को भी बड़ा बनाए। और फर्स्ट 1 million isn't that big, 1 crore रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आपके आपके संस्था एनजीओ, ये जो एनजीओ है ना आपके पास बहुत बड़ी चीज है। अभी मैंने जैसे बोला, उन्होंने बोला उनके पिताजी का था, 2007 से उनका एक्सपायर है, वो 2007 से उन्होंने रिन्यूअल नहीं कराया है, अब उनके 2007 से फीस लगेगी बहुत ज्यादा, हाँ कम से कम 25,000 से 30,000 रुपए खर्च आएगा, 20-25,000 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल की वो फीस मारते हैं ना। तो यू एंड स्मॉल बिजनेस, आपको स्मॉल नहीं रहना है, आपको बिग बनना है, बिग 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 बनेंगे आप। फैक्ट्स अबाउट बिजनेस, 76% ऑफ ऑल स्मॉल बिजनेसेस ब्रेक इवन और लूज मनी, 76% स्मॉल बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। संस्था आपकी बगैर पैसे के रन नहीं कर सकती, ग्रो नहीं कर सकती, ग्रोथ नहीं कर सकती, पैसा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे मित्र। 80% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर फेलिंग इन द फर्स्ट 18 months, 18 महीनों में, पहले 18 महीनों में ही अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर फेल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि पैसा नहीं होता है, बगैर पैसे के बिजनेस नहीं होता है। इनकम कितनी है आपके एनजीओ की, इनकम बढ़ाएं, इनकम, नो कैश फ्लो मींस नो कैश फ्लो, मतलब अगर अर्निंग नहीं है आपके एनजीओ की, देखो एक चीज समझो ध्यान से, अगर आपके एनजीओ की अर्निंग नहीं है तो आप अच्छे लोगों को हायर नहीं कर सकते, आप टीम नहीं बिल्ड कर पाओगे, आपके पास स्टाफ नहीं होगा, सारा काम आप करोगे क्या, सारा काम आप करोगे, आप थोड़ी ना सारा काम करोगे, आपको टीम बिल्ड करना है, टीम को चाहिए सैलरी, सैलरी कैसे मिलेगी, इनकम होना आपके पास जरूरी है, टीम होना जरूरी है, आप स्टाफ नहीं रख पाओगे, आप प्रमोशन नहीं कर पाओगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाओगे अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो मतलब अर्निंग, इनकम आ रहा है, कैश बराबर आता रहे तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, सो नहीं पाओगे, चैन की नींद नहीं आएगी अगर इनकम नहीं है, तो बिजनेस फेल हो जाएगा आपका, एनजीओ फेल हो जाएगी, संस्था फेल हो जाएगी और आप भी फेल हो जाओगे। बिजनेस एंड पीपल फेल व्हेन दे डोंट सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन क्वांटिटीज ग्रेट इनफ एट प्राइसेस हाई इनफ। कैश फ्लो होना जरूरी है, स्केलिंग, उसके बाद स्केलिंग करना सीखो, अपनी ब्रांचेस डाल दो हर जगह, हर जगह, हमारा एनजीओ यहां कह दो, हमारी एनजीओ की ब्रांच ले लो, उसका उसका विंग बना दिया, पूरे प्रदेश में आपने क्या बना दी, शाखाएं बना दी, ब्रांच अपनी अपनी संस्था की, एक यहां ऑफिस, एक वहां ऑफिस, एक वहां ऑफिस, एक वहां ऑफिस, सब जगह ऑफिस, वहां एम्प्लॉय छोड़ दिए, वर्क करा दिए। तो एक बिजनेस मॉडल ना कि कैसे काम को करना है स्टेप बाय स्टेप, तभी तो कर पाओगे। और स्केल कैसे हो पाएगा, स्केल हो पाता है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपने देखा एक प्रॉब्लम है समाज में, उसको आप सॉल्व कर सकते हो,
बस वो पूरा आपने एक बनाया मैप, एक आपने स्ट्रक्चर बना दिया, वही स्ट्रक्चर उठा के दूसरी जगह, तीसरी जगह, पांचवी जगह, 20 जगह खोल दिया, हो गया। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको समाज सेवा से प्यार है, प्यार से काम नहीं होता है, प्यार से पेट नहीं भरता है भाई, पेट भरने को पैसे लगते हैं। मिलेनियर इज द न्यू मिडिल क्लास, जितने भी नए मिडिल क्लास के हैं, करोड़पति बन जाओगे आप, अरबपति, करोड़पति, यहीं से, यहीं से, एनजीओ से। बी द टॉर्टोइज एंड द हेयर, आप लोगों में से कितने लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, कमेंट में लिख दें। आई आई लिखे आई कि मैंने सुनी। आप में से कितने लोगों ने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, कमेंट में लिख दें। आई आई मतलब मैंने सुनी आई। तो आप चाहे कछुआ बने या खरगोश बने, रियल लाइफ में आपको मालूम है ना, कछुए और खरगोश की दौड़ नहीं होती कभी भी। इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लास्ट। रियल लाइफ में कछुए कछुओं में दौड़ते हैं, खरगोश खरगोश में दौड़ता है। तो बी द टॉर्टोइज एंड द हेयर, आप चाहे कछुआ हो चाहे खरगोश हो, लेकिन चलते रहें, दौड़ते रहें, पहुंचेंगे मंजिल पे जरूर। कछुए की चाल से चल रहे हो तब भी चलते रहें, रुकना मना है, जिंदगी चलने का नाम है, जीने का नाम है, हार नहीं मानना है, चलते रहना है, ट्राई करना है, नेवर गिव अप, कभी भी कभी भी कभी भी, ऑलवेज कीप फॉरवर्ड, ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, हमेशा हमेशा लगे रहना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है।